नाश्ते तो कई होते हैं, पर कुछ नाश्ते एवरग्रीन होते हैं, लगभग सभी पसंद करते हैं, वो है आज ढोकला। ढोकला खमण, जिसकी रेसिपी मैंने पहले भी आपको दी है, आप लोगों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार उसे दिया है। मेरा मन किया आज एक बार फिर से ढोकला बनाकर एंजॉय किया जाए। आज मैंने थोड़ी सी रेसिपी को चेंज किया है, सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताए, एक एक चीज़ मैंने बड़ी बारीकी से बताई है, जिससे आपका ढोकला भी परफेक्ट बने। वैसे तो कई सारे मेरे व्यूअर्स ढोकला बनाने में मास्टर हो गए हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स मेरे अभी भी परेशान होते हैं, तो उनकी परेशानी भी दूर की जाए, आज बढ़िया सा मार्केट स्टाइल ढोकला घर में बनाया जाए। स्पॉन्जी स्पंज की तरह ये ढोकला बने, लाल भी ना हो, भारी भी ना लगे, हर चीज हर रेशो आपको बताऊंगी। कुछ नाश्ता तो बढ़िया खाना है, लेकिन ऑयली नहीं खाना है, तो ऐसे में सबको याद आता है ढोकला। अब ढोकला अगर करेक्ट बना तब तो बढ़िया, अगर करेक्ट नहीं बना तो सब कुछ बेकार। तो चलिए आज ढोकला बनाते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। एक ले लीजिए बड़ा सा बोल, उसमें डाल दीजिए एक कप भर के पानी, कोई भी एक कप सेट कर लीजिए या कटोरी सेट कर लीजिए। उसमें 4 टेबल स्पून भर के डाल दीजिए चीनी, 1 टीस्पून डाल दीजिए नमक, 1 टीस्पून डाल दीजिए साइट्रिक। साइट्रिक डालेंगे जो नींबू का सत होता है, तो जो मार्केट में बनते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा, जो मार्केट से आप बहुत महंगा ढोकला लाते हो वो आज आप घर पे बना लोगे। एक और बात, यहाँ आपको एक हलवाइयों की ट्रिक आपको बताती हूँ, यहाँ हम लोग घर में डालते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी, लेकिन मार्केट में क्या करते हैं, हल्दी ना डाल के कलर यूज करते हैं। उसका क्या कारण है, वो लोग कलर इसलिए डालते हैं कि हल्दी के साथ जो मीठा सोडा है अगर परफेक्ट तरीके से आपने मिक्स नहीं किया तो ढोकले के ऊपर लाल कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ये आपने भी कई बार नोटिस किया होगा। इसलिए हल्दी डली है उसमें, आप सोडा डालकर अच्छे से उसे मिक्स करके जब आप डालेंगे तो कभी भी रेड स्पॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन मार्केट में कलर डाल के इसका टेंशन खत्म ही कर दिया जाता है। पहले जो मैंने ढोकला बनाया था उसमें खुशी की बात ये है कि आपने इतना सारा प्यार दिया, उसमें सीआर लगने वाला है, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक दूसरा ढोकला बनाकर इसे सेलिब्रेट किया जाए। 2 कप बेसन करीब 250 ग्राम होगा। अक्सर हम जब ढोकला बनाते हैं तो बेसन को छानते हैं, छानते इसलिए ताकि उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। आज मैं छानूंगी नहीं, उसका कारण क्या है पता है आपको, क्योंकि हम छानते हैं तो बहुत जल्दी घुट जाता है और हम फटाफट से हाथों को रोक देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। हमें कम से कम यहाँ पर इस ढोकले को 5 मिनट तक घड़ी के हिसाब से मिक्स करना है, इसलिए मैंने इसे छाना ही नहीं। दूसरी ट्रिक ये है, उसे 15 मिनट के लिए पहले रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद ही सारी चीजें डालिए। तब तक आप तैयारी कर लीजिए, आप जिसमें ढोकला बनाने जा रहे हो उसे आप थोड़ा ऑयल से लगाकर ग्रीस कर दीजिए, और जिसमें आप बनाने जा रहे हो, यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में पानी डाला है, नीचे रिंग डाली है, उसे ढककर मैंने गर्म करने के लिए एक तरफ रख दिया है। अब सारी तैयारी हो जाए 15 मिनट बाद उसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, फिर से आप इसे 5 मिनट के लिए फेंक लीजिए। 2 चम्मच डाल दीजिए उसके ऊपर पानी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। जब आप मीठा सोडा डालेंगे ना, साथ में थोड़ा पानी जरूर डालिए, जिससे वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप जैसे मिक्स करेंगे ना, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। बस फिर आप इसे निकाल के फौरन बिना देर किए उस डिश में डाल दीजिए जिसमें आपको ढोकले को पकाना है। अब फौरन देर न करते हुए जो उबल रही है कढ़ाई में पानी, उसी में रख दीजिए, उसे ढक दीजिए, और 20 से 25 मिनट आपको इसे स्टीम देना। अगर आपको लग रहा है ढक्कन बरोबर नहीं है तो एक टॉवल रख दीजिए, पर ध्यान रहे गैस को बचा के। अब इसे 20 से 25 मिनट तक आराम से स्टीम होने दीजिए, बिल्कुल मत देखिए, 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। लीजिए 20 मिनट हो चुके हैं, इसे हल्का सा मैं चेक कर रही हूँ, परफेक्ट बन रहा है, 5-7 मिनट इसे और पकने दीजिए।
तो जितने खर्चे में हम एक किलो ढोकला मार्केट से लेके आते हैं उससे चार गुना कम रेट में हम घर में आराम से बना लेते हैं। तो क्यों ना बनाएं घर में ये ढोकला। तो अब हमारा ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है, इसे निकाल रहे हैं, कहीं से भी गीला नहीं है, ना सेंटर में ना साइडों से। आप हाथ लगा के देखेंगे, खुद खुश हो जाएंगे। जब ये ढोकला थोड़ा गर्म हो तब इसमें आधा कप नॉर्मल पानी डाल दीजिए, साइडों से सब तरफ से डाल दीजिए। आप देखेंगे कि बढ़िया सा पानी इसने पी लिया ढोकले। जब ये ठंडा हो जाए तब इसे नाइफ से कट कर लीजिए। अब चलते हैं अपन तड़का बनाने। जब ढोकला पूरा ठंडा हो जाए ना तब उस पर गरम गरम तड़का लगाइए, क्योंकि तड़का हमें गरम गरम डालना होगा ठंडे ढोकले के ऊपर। ये खास ट्रिक जो छोटी छोटी बता रही हूँ ना, बहुत अमेजिंग है। यहाँ लेती हूँ मैं एक पैन जिसमें डाली है मैंने थोड़ा सा ऑयल, उसमें राई डाल दीजिए, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चों को काट के डाल दीजिए, उसे थोड़ा अच्छे से सेक लीजिए। उसके बाद इसमें वापस एक कप पानी डाल दीजिए। अब आपका मन करे तो और ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा मीठा चाहिए तो इसमें चीनी, नमक और खटाई डाल सकते हो, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ पानी डाल दीजिए, इसे उबाल दीजिए। अब गैस बंद कर दीजिए। अब ढोकला आपका पूरा ठंडा हो चुका है, अब गर्मा गर्म इसे तड़का दे दीजिए, सब तरफ से पानी डाल दीजिए। इसकी रेसिपी थोड़ी मैंने अलग दी है गुजराती टच में, जिससे आपको जो ढोकला पसंद आए, जो आसान तरीका लगे, जो इंग्रेडिएंट्स आपके घर में हो वैसा आप बना सकें। और 5 मिनट बाद जब इसका पीस निकालेंगे खुद हैरान हो जाएंगे कि बिल्कुल स्पंज की तरह स्पॉन्जी लगेगा आपको, जालीदार ढोकला जो आप मार्केट से लाते हो। ये सारी ट्रिक्स फॉलो की तो आपका इतना जालीदार ढोकला बनेगा कि मार्केट का लाना भूल ही जाओगे। आज आप खुद सीख गए घर में बनाना ढोकला। अब आपका कभी भी फेल नहीं होगा ढोकला, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये सारे ट्रिक्स को फॉलो किया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हो सब्सक्राइब करने की कंजूसी ना करें।